अस्सलाम वालेकुम, माय नेम जावेद इकबाल इवान। अभी रिसेंटली लास्ट ट्रेनिंग में मैंने आप लोगों को पाइथन में लिस्ट के बारे में बताया था, उसी का अगर भी कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ। और पाइथन कलेक्शंस में जैसे हमने लिस्ट पे जो लास्ट प्रैक्टिस की थी, तो टुपल, सेट और डिक्शनरी, ये तीनों चीज़ें मैं एक साथ इस ट्रेनिंग में करा दूंगा। और बाकी जो वैरायटी मैंने जो एग्जांपल्स प्रैक्टिस करवाई थी आपको लिस्ट में, वो आप इसको वन बाय वन टुपल में, सेट में और डिक्शनरी में भी इसको इम्प्लीमेंट खुद से कर लीजिएगा। तो मैं सिर्फ सिर्फ आपको ये फ़र्क बता देता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि टुपल जो है बेसिकली, जब मैं लिस्ट में काम किया तो लिस्ट एक कलेक्शन है, तो टुपल भी आपका कलेक्शन ही है। फ़र्क क्या जाता है कि आपके पास बेसिकली लिस्ट जो है वो चेंजेबल है। जैसे लास्ट मैंने प्रैक्टिस कराई थी, अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो लाजमन आप पहले उस रिकॉर्डिंग को देखें, ताकि उसके बाद फिर आप इस जब टुपल को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और उसमें मैंने प्रैक्टिस भी कराई हुई है, उनमें मैंने बहुत सारे मेथड्स है, जैसे हमारे पास लर्न का फंक्शन था, रिमूव था, पॉप था, इस समय ज्वाइन भी किया था, पैंड भी किया था। तो सारी वैरायटी आप वहाँ मैंने इंप्लीमेंट कर दी थी। आप उसको आप बजाय में इस पर भी सारी वैरायटी इंप्लीमेंट करूँ, टुपल में भी करूँ, सेट में भी करूँ, डिक्शनरी में भी करूँ, तो मैंने एक दफ़ा लिस्ट में इंप्लीमेंट कर दिया। अब आप उसको वन बाई वन टुपल में, सेट में और डिक्शनरी में इसको इंप्लीमेंट करके देखिएगा। अगर फिर भी कोई इशू आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती, फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो ट्रेन में उसको समझा दूँगा आपको। तो फिल वक्त मैं जो है इन तीनों चीज़ों को एक साथ चलाऊंगा टुपल को, तो जो इसमें चेंज है, जो इसमें नई चीज़ है, जो नई वैरायटी जो लिस्ट में नहीं है, लिस्ट से हट कर है, तो वो मैं सिर्फ इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे अब टुपल जो है अनचेंजेबल, अब जैसे हमने लास्ट में लिस्ट में काम किया था, तो उसमें हमने क्या किया था कि हमने कोई भी आइटम ऐड भी किया था तो डायरेक्टली जो है वो उससे लास्ट में अपेंड हो गया था। फिर इसी तरीके से हमारे पास एक इंसर्ट का मेथड था, और उस इंसर्ट के मेथड के ज़रिए से मैंने जो है लिस्ट के अंदर जो है वो उसको इंसर्ट कर दिया था। और हमने बाकायदा इंडेक्स दिया था कि किस लोकेशन में इंसर्ट हो जाए, तो लिस्ट ने इंसर्ट कर दिया था, क्योंकि लिस्ट बेसिकली चेंजेबल था। लेकिन टुपल जो है वो चेंजेबल नहीं है, यानी टुपल आपके पास जो है वो चेंजेबल नहीं है। टुपल के अंदर हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, आपके पास एक डेटा मौजूद है, आप उस डेटा में कोई ऐड नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो फिर देन हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो भी मैं सिखाऊंगा कि लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। उसको मैं कलेक्शंस वन के नाम से देता हूँ, लास्ट मैंने कलेक्शंस के नाम से बनाई थी। अब देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं टुपल पे काम करना चाहता हूँ। टुपल में पहली बात है, टुपल में काम कैसे होता है, तो टुपल है क्या, मैंने आपको अभी बताया। इसके अंदर आपने इसको यहाँ से देखा कि टुपल इज़ अ कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर, यानी इसका आउटपुट तो ऑर्डर की फॉर्म में आता है, लेकिन अनचेंजेबल यानी चेंजेबल नहीं है। और डुप्लीकेट मेंबर्स भी अलाउ करता है, तो भी डुप्लीकेट मेंबर दे सकते हैं, लेकिन वो आपके पास अनचेंजेबल है, इसका मतलब है आप उसको जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो टुपल में काम कैसे करते हैं, टुपल का सिंटैक्स क्या है, पहले हम उस पर बनाते हैं। अब जैसे मैंने कोई भी एक वेरिएबल बना दिया एक्स के नाम से, टुपल पे काम करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट में काम करना पड़ता है। जैसे मैं लिस्ट में किया था, तो हमने जो है वो सॉरी राउंड ब्रैकेट में काम करना पड़ता है। लिस्ट में हमने काम किया था, तो वहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट ली थी एरे की तरह से, और उसमें काम किया था। लेकिन टुपल में का सिंटैक्स ये कि टुपल में काम करने के लिए आपको राउंड ब्रैकेट में काम करना पड़ता है। हमने कोई भी वैल्यू असाइन कर दी, जैसे मैंने तीन इसको नाम देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका सिंपल प्रिंट लेना चाहते हैं, जैसे हमने लिस्ट में लिया था वैसे ही प्रिंट इसमें भी होगा। मैं एक्स प्रिंट लूँगा तो मुझे ये इसी फॉर्म में मुझे प्रिंट दे देगा, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ही हमें इसका प्रिंट आ जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि नॉर्मली हमने उसमें लिस्ट में भी देखा था, लिस्ट में मैंने ऐसे काम किया था। अब अगर चूँकि इसकी वैल्यू तो चेंजेबल है, मेरे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है कि मैं इसमें अपेंड करूँ कोई चीज़ को, या इसके अंदर मैं इंसर्ट कर सकूँ, क्योंकि इसको सपोर्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये है ही ऐसा, इसलिए बनाया गया कि इसमें कोई वैल्यू चेंज ना हो कर सके, कोई चेंज ना हो सके। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर देन हमें क्या करना पड़ता है कि फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ता है उसको। अब जैसे मैंने वाई के नाम से एक वेरिएबल लिया, और इसको मैं यहाँ पे आके लिस्ट लूँगा, और लिस्ट के बाद आके मैं इसके इस ऑब्जेक्ट को जो मेरा हमने टुपल का ऑब्जेक्ट बनाया था एक्स, उसको मैं पास कर देता हूँ। अब इसका मतलब है अब जो एक्स का जो डेटा है वो कन्वर्ट हो गया लिस्ट की शिकल में और वाई में पास हो गया। यानी अगर मैं जब वाई को हिट करूँगा, तो इसका मतलब है अब जो डेटा उसके पास आया है वो अब टुपल की फॉर्म में नहीं आया, बल्कि लिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद आया। और जब लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, तो हम लिस्ट की तरह से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा भी अपना एक चीज़ एक आइटम ऐड करना चाहता हूँ, और मैंने यहाँ पे कहा आप ऐड कर दो अब्दुल्ला को, तो अब मैं यहाँ पे कर सकता। अब जब मैं यहाँ पे प्रिंट लूँगा, और जब मैं ऐड करने के बाद, अब हम यहाँ पे
इसका प्रिंट लेना। अच्छा फिर इसके बाद सॉरी ऐड तो कर लिया हमने, ऐड करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसको टुपिल करना पड़ेगा। और मैंने कहा एक्स इक्वल टू टुपिल। देखिए अब जो प्रिंट मैंने एक्स का प्रिंट लिया था तो बेसिकली वो तो एससी का प्रिंट ला रहा था ना, तो इसलिए हमें उसने उसी का प्रिंट ला के दिया, मुझे कोई नया चेंजिंग नहीं नज़र आई। लेकिन चूंकि मैंने अब इसको वाई में कन्वर्ट कर दिया और वाई जो है बेसिकली उसके ज़रिए से मैंने इस टुपल के डेटा को लिस्ट के डेटा में कन्वर्ट करके वाई के वेरिएबल में असाइन कर दिया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर आके एक वैल्यू ऐड की अब्दुल्ला की। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो एक्स का प्रिंट चाहिए, मुझे वाई का प्रिंट तो नहीं चाहिए ना। तो फिर मैं क्या लिखूँगा, टुपल का मेथड यह पास करेंगे और उसके आर्गुमेंट पे अपना वो ऑब्जेक्ट पास करेंगे जहाँ मैंने लिस्ट की शिकल में इसको कन्वर्ट किया है, यानी वाई के अंदर मैंने इसको लिस्ट की शिकल में कन्वर्ट करके वाई के वेरिएबल में पास किया है। टुपल के डेटा को लिस्ट में कन्वर्ट करके वाई के वेरिएबल में असाइन किया है। और इसके बाद हमने टुपल का मेथड यूज़ करेंगे, ये इसका सिंटैक्स है। जब मैं उसी वेरिएबल के अंदर जिसमें मैंने टुपल पास किया था उसको जो है मैं टुपल के मेथड के जरिए से वाई में असाइन करूँगा। अब जब मैं प्रिंट लूँगा तो मुझे इसके साथ जो है वो अब्दुल्ला का प्रिंट भी आएगा, किस इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे, यानी जीरो इंडेक्स था ये, वन था ये, टू था। तो अब ये चेंजेबल हो गया और इसने वन इंडेक्स पे जो अवेस लिखा था उसकी जगह इसने यहाँ पे अब्दुल्ला पास कर दिया। अगर मैं इसको यहीं पे आता हूँ और इसको अगर मैं यहाँ पर आके फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ थ्री इंडेक्स कर देते हैं, तो अब जब मैं यहाँ पे आके थ्री इंडेक्स कर देता हूँ तो इसने क्या कहा, तीन इंडेक्स तो है ही नहीं, तीन का इंडेक्स तो आपके पास है ही नहीं, तो आप कैसे कर सकते हो। इसका मतलब ये अपेंड नहीं कर रहा बल्कि ये चेंज कर रहा है, यानी इंसर्ट नहीं कर रहा, इसके जरिए लिस्ट में कन्वर्ट भी कर रहा है लेकिन फिर भी इंसर्ट नहीं कर रहा। ये बेसिकली क्या कर रहा है, चेंजेबल चेंज कर रहा है। तो जब वहाँ पर जो चेंज है वो चेंजेबल है आपके, तो ये कहता है इस इंडेक्स को तो आउट ऑफ रेंज है, आपके पास इंडेक्स इसका है ही नहीं, तो कैसे हम इसको ला सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर आके एक वैल्यू देता हूँ, मैंने कहा सलीम, अब जब मैं आता हूँ तो ये इसमें मौजूद है, तो अब जब मैं आता हूँ तो इसने क्या किया, सलीम की जगह इसको अब्दुल्ला को पास कर दिया। यानी मैंने कहा तीसरे इंडेक्स पे कर दो तो 0 1 2 3, तो सलीम की जगह इसने अब्दुल्ला को पास कर दिया क्योंकि उसके पास वो इंडेक्स पहले मौजूद नहीं था, इसलिए उसने उसको एरर दिया था। तो आई थिंक भाई बाकी जो एग्जांपल्स हैं वो आप बाकी जो मेथड्स हैं डिलीट का और वो सब आप इसमें साथ साथ देख लीजिएगा कि इसमें जो है वो नेट पे भी आपको बहुत सारे इसके टुपल मेथड्स मिलेंगे कि हम किस कौन कौन से टुपल पे मेथड लगा सकते हैं। टुपल का सिंटैक्स जो जो खास खास चीज़ें थी वो मैंने आपको डिफाइन कर दी इसमें। तो इसी तरीके से अगर हम सेट पे अब आ जाते हैं हम लोग सेट, मैं सेट पे काम करना चाहता हूँ। सेट क्या है, सेट इज़ अ कलेक्शन, यानी वो भी कलेक्शन का पार्ट है, विच इज़ अनऑर्डर। अब यहाँ फ़र्क क्या आ रहा है कि लिस्ट आपका ऑर्डर है, तो मुझे आउटपुट आएगा ऑर्डर फॉर्म में आएगा, जिसमें मैं लिखूंगा उसी हिसाब से मुझे आउटपुट देगा। अगर मैं लूप चलाऊंगा तो पहले से होता है पहले जीरो का डेटा, फिर वन का, फिर टू का, थ्री का, इसी तरतीब में आएगा। अब हमारे पास टुपल का भी लूप चलाएंगे तो भी डेटा आपका ऑर्डर फॉर्म में है तो ऑर्डर में आएगा, लेकिन सेट आपका जो है वो अनऑर्डर है। सर जब इसका डेटा आएगा तो फिर मेरे पर रैंडमली कोई भी डेटा लाएगा अनऑर्डर आएगा मेरे पास, वो 0 1 2 3 सीरीज में नहीं लाएगा बल्कि वो आपके पास अनऑर्डर होगा। और इसके अलावा ये डुप्लीकेट मेंबर भी अलाउ नहीं करता, जबकि बाकी ये दोनों आपके पास डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ करते हैं, लेकिन सेट और डिक्शनरी आपके पास डुप्लीकेट मेंबर अलाउ नहीं करते। और लेकिन जो आपके सेट में बात है वो ये है कि आपके पास अनऑर्डर है, ऑर्डर की फॉर्म में नहीं आती, और डिक्शनरी भी आपके पास अनऑर्डर होती है। प्रैक्टिस करते हैं इसकी, पहले तो सेट के अंदर हम काम कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो सेट पे काम करने के लिए आपने जैसे कोई भी वेरिएबल लिया, हमने ए के नाम से वेरिएबल लिया। अब सेट पे जब काम होता है वो कलरी ब्रैकेट में होता है, यानी लिस्ट में हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, टुपल में हमारे पास जो है वो लिस्ट में हमारे राउंड ब्रैकेट सॉरी लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट में आता है और टुपल में हमारे पास राउंड ब्रैकेट में आता है, हम राउंड ब्रैकेट में इसको पास करते हैं। और सेट में हम कलरी ब्रैकेट में वैल्यू देते हैं, तीनों का अलग अलग सिंटैक्स है। डेटा मैं वही पास कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे दिया था, ठीक है। अब इस पर काम करने के लिए हम सिंपल जो इसका प्रिंट लेते हैं, हमने कहा प्रिंट कर दो तो ये उसी फॉर्म में हमें प्रिंट दे देगा जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये तो सिंपल हो गया। अब आ जाते हैं कि क्या ये अनऑर्डर लिस्ट का डेटा कैसे क्यों है, कैसे अनऑर्डर लिस्ट का मतलब कि अनऑर्डर की लिस्ट है तो अनऑर्डर डेटा देता है तो कैसे देता है। तो उसके लिए हम उसको लूप चला लेते हैं और लूप चला के देखते हैं कि यार वाकई ये अनऑर्डर लिस्ट आपको डेटा दे रहा है। तो अब मैं इसके लिए लूप दिया, मैंने कहा कोई भी वेरिएबल ले लिया और मैं ए से जो इसका इनपुट लेता हूँ और फिर हमने कहा प्रिंट कर दो एक्स को। अब जब मैं यहाँ पे आके प्रिंट करवा देता हूँ तो जो मेरे पास डेटा आएगा तो देखें यहाँ पे जावेद, अवेस, असद, सलीम आ रहा है। अगर मैं इसको किसी भी फॉर्म में रन करूँगा तो इसका मतलब अनऑर्डर डेटा मेरे पास आ जाएगा, फॉर्म कोई भी चेंज कर लेगा रैंडमली जो है वो कोई भी डेटा हमारे पास इसको जो है वो पास कर देगा मुझे।
ठीक है जी। इस तरह से फिर लास्ट में आ जाते हैं, हमारे पास होती है डिक्शनरी। डिक्शनरी कैसे काम करती है कि डिक्शनरी बेसिकली जो है वो भी कलेक्शन ही का पार्ट है, विच इज़ ऑर्डर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आके फॉर एग्जांपल मैंने क्या एक्स वाई दे दिया, और मैं यहाँ पे आके एक्स वाई देता हूँ, ठीक, तो हमारे पास डेटा जो है उसी फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, फिर आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है, वो भी एक कलेक्शन ही का पार्ट है, विच इज़ अनऑर्डर, ये भी अनऑर्डर होती है और चेंजेबल है, इसका आप वैल्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। सिवे का आपके टुपल है जो कि चेंजेबल नहीं है, बाकी सब में वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और इसमें जो है चेंजेबल भी, और आप इसमें इंडेक्स देके वहाँ भी चेंज कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो, और लेकिन ये कि डुप्लीकेट मेंबर्स को ये अलाउ नहीं करता। यानी जब डिक्शनरी की बात आती है तो नॉर्मली हम किसी जगह भी काम करते हैं तो हमारे पास कीज़ और वैल्यूज़, ये दो चीज़ें आ जाती है। तो जब हम सी शार्प में डिक्शनरी बनाते हैं, कलेक्शन में डिक्शनरी की कलेक्शन मौजूद है, तो अगर हम उसमें काम करते हैं तो इसका मतलब एक कीज़ होती है, एक वैल्यूज़ होती है, हम की देते हैं और फिर उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। तो डिक्शनरी पाइथन में भी ऐसा ही है कि आप पाइथन में भी जब काम करते हो तो जब हम डिक्शनरी भी काम करेंगे तो कीज़ और वैल्यूज़ देखिए हमें काम करना पड़ेगा। सिंटैक्स क्या है मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने जेड के नाम से एक वेरिएबल लिया, अब मैं उसको डिक्शनरी की वैल्यू देना चाहते हैं तो आपने पहले तो कर्ली ब्रैकेट में आनी है, अब आप यहाँ पहले तो की पास करोगे जैसे मैंने करना है, फिर इसके बाद आपने कॉलन लगाना है और इसको वैल्यू देनी है, यानी नेम की वैल्यू क्या देना चाहता हूँ। अब मैंने कहा एक मिसाल है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ओबेस, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे कॉमन लगाना है सेपरेटर, ठीक है जी। अब मैं दूसरी की देना चाहता हूँ, अगर दूसरी की देना चाहता हूँ तो कॉमन लगाएंगे, नहीं देना तो हम ये भी जो है क्लोज कर देंगे। और अब मैं देना चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा एफ नेम, अब इसको जो मैं वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ वो देना चाहता हूँ, मैंने कहा जावेद, उसका मतलब ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। और तीसरी चीज़ जो मैं देना चाहता हूँ, अगर मैं तीसरी चीज़ भी देना चाहता हूँ तो मैं कॉमन लगाऊंगा, और अगर नहीं देना है तो देन फिर मैं यहाँ पे आकर नीचे प्रिंट ले लूँगा, तो मैं तीसरी चीज़ भी ऐड कर देता हूँ। और फिर मैंने कहा एज, और एज की वैल्यू मैं न्यूमेरिक में दे देता हूँ ताकि आपको फ़र्क नज़र आ जाए, तो मैं इसको एज पास की मैंने कहा 25। अब इसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया, अब मैं इसका प्रिंट लेना चाहता हूँ तो मैं नीचे आके यहाँ पे इसका प्रिंट ले लेते, हमने कहा प्रिंट कर दो सेट को। अब जब मैं इसका प्रिंट लूँगा तो मेरे पास जो है वो वैल्यूज़, कीज़ और वैल्यूज़ के तरह से मुझे इसका आउटपुट आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैंने साथ साथ क्लियर कर दी, वो वीडियो तो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए जो है वो मैंने इन चीज़ों को उसके साथ एक साथ ही कराया, तो जस्ट लगे इसका पार्ट टू हो गया आपके कलेक्शंस का। तो इस तो साथ साथ देखे हैं वो जो मेथड्स मैंने वहाँ पे इंप्लीमेंट किए हैं, उन मेथड्स को भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करें, तो ज़्यादातर हमारे पास जो लिस्ट यूज़ होती है हम लिस्ट पे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि इसकी रीज़न ये होती है कि लिस्ट बेसिकली जस्ट लाइक एरे की तरह काम करती है, हमें वो स्क्वायर ब्रैकेट हम पास करते हैं, और जो प्रोग्रामिंग जिन्होंने सी की है, सी प्लस प्लस की है, सी शार्प की है, जावा की है, तो वो आसानी से इस पर जो है वो लिस्ट ही उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं होती, वो जो नॉर्मली वहाँ काम करते थे वैसे इस पर काम करते हैं। तो मैं आपको इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं आपको डेटा साइंस की तरफ लेके आऊँगा, और हम पांडास की लाइब्रेरीज को यूज़ करेंगे, नमपाई को यूज़ करेंगे, तो उसको हम फर्दर जो है वो हम जो है डेटा साइंस के का पर आ जाएंगे, और उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग पे इंशा अल्लाह मैं आपको जो है वो डेटा साइंस की तरफ आ जाएंगे, पांडास का बताऊँगा और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फिर यहाँ पर अब आपको जो है वो बेसिकली जो है वो यही लिस्ट और इसकी तरह मैं फॉर्म ज़्यादा मैं यूज़ करूँगा, ज़्यादातर काम भी उसी पे ही होता है। तो लिस्ट की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो इसका पिछला पार्ट है, जो मैंने इससे पहले जो ट्रेनिंग की है, जो आपके पास जो है वो पार्ट एट है, उसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरीके से, वो आगे इस्तेमाल होगी, और हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि किस में कैसे काम करना है, किस में कैसे काम करना है। तो अगर एक हमारे पास डेटा एक्सेल की फॉर्म में है तो फिर हमारे पास डेटा फ्रेम पे जब हम काम करने आते हैं तो फिर हमें वो लिस्ट का ही सिंटैक्स यूज़ करना पड़ता है, तो उसकी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन इसकी नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। मैं भी हो सकता है किसी जगह पे जाए मुझे इसमें इनको भी इस्तेमाल करूँ, तो इस जो साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें, कुछ चीज़ पूछना हो तो कमेंट्स की शिकल में मुझसे पूछें, मैं उसका आंसर दूंगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और साथ साथ मेरे साथ इन टच रहें, तो मैं जितना जो मौका मिलेगा साथ साथ मैं जो है वो रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग साथ साथ पास करता रहूँगा। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।